संध्या, आज काफी समय बाद आप सबसे इंटरेक्शन हो रहा है और मुझे नहीं पता कि आप सबको नोटिफिकेशन मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है। और आप में से कोई अगर लाइव हो तो मुझे हिंट कर दें, अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा है। लगभग लगभग पिछले हफ्ते में दशहरे की छुट्टियां थी और उससे पहले एक दिन कुछ व्यस्तता होने के कारण मैंने आपके साथ इंटरेक्शन नहीं किया था। हालांकि आईपीसी के अब उस भाग में हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप में से जो भी लाइव हुआ हो, अगर मेरी वॉइस मिल रही है प्रॉपर तो मुझे हिंट कर दें। एम आई ऑडेबल? मेरी आवाज आप सब तक, आप सबको मिल रही है? एम आई ऑडेबल? प्लीज आप में से कोई भी। ओके संजय, ओके, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि अब धीरे धीरे हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, जो आपके साथ बातें करनी है, जिसके बारे में चीजें कंटिन्यू करना है, वो जितना बताना और समझाना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा आपको याद करना जरूरी है, मेमोराइज करना जरूरी है। ठीक है, आज आपके साथ जो सेक्शन 415 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखें कि ये वो हिस्सा है जो आपकी पीटी में, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां मिस्टेक हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, जितने भी सेक्शन हैं, स्पेशली जो प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, वो सेक्शन केवल अपने आप में बहुत सारे पूछे जाते हैं। और जो सेक्शन है वो पूछे जाते हैं, और खास तौर से 400 के आसपास का जो है, ठीक है, 400 से लेके 450 तक का जो पार्ट है, वो खास तौर से आपसे खूब पूछे जाते हैं। अभी कल मुझे किसी बच्चे का फोन आया था तो उन्होंने बताया कि हाँ, अभी एक परीक्षा दी है, उस परीक्षा में सेक्शन बेस्ड और इलस्ट्रेशन और केस लॉज, ठीक है, और खास तौर से पनिशमेंट, ये पार्ट जो है वो काफी पूछा गया है। तो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि हाँ, इन चीजों को ध्यान रखें। लगभग लगभग 10-12-15 दिन के बाद हम लोग का इंटरेक्शन है। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, और जहाँ कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप किसी भी समय डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश ये करिएगा कि ये पूरा का पूरा 400 के बाद का जो हिस्सा है, 400 से लगभग लगभग 450 तक, ठीक है, ये 50 सेक्शन, इसके साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा। यहां से कंफ्यूजन करने के लिए आपसे खूब सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं जो इलस्ट्रेशन बेस होते हैं, और साथ ही साथ वो पार्ट भी इसमें आता है जो केवल केवल आपसे सेक्शन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि कूट रचना किस सेक्शन में है, सीधे सिंपल आपसे इस तरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इनके लिए ये सेक्शन मेमोराइज होना जरूरी है। तो आज का जो ये लेक्चर है, आज का जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन के साथ साथ इसे मेमोराइज होना, इसे रट लेना, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है वो सेक्शन है 415, 415, छल या चीटिंग। देखिए, छल का यहाँ आईपीसी में जो कॉन्सेप्ट है, वो जब कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसमें व्यक्ति को हम इस तरह से उसके सामने मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसके सामने ऐसी ऐसी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा प्रतीत कराते हैं, और उस बातों के प्रभाव में, उस बातों के असर में इतना वो व्यक्ति प्रभावित हो जाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति को स्वयं दे देता है। देखिए, एक्सटॉर्शन, ठीक है, और छल,
इन दोनों में डिफरेंस है। एक्सटॉर्शन में संपत्ति वहां भी दी जाती है और छल में भी, चीटिंग में भी संपत्ति दी जाती है। दोनों में फोर्स जो है वो संपत्ति, प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करने में, उसे पोजीशन में लेने में, यहां पर कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन एक्सटॉर्शन में उसके पहले ही दिमाग में वो इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण आप प्रभाव में होके प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर देते हैं। यहां एक्सटॉर्शन में वो जो फोर्स था, वो जो भय था, भय की जगह यहां प्रवंचना शब्द इस्तेमाल है, यानी दिमाग पर हम इस तरह का इम्पैक्ट जनरेट कर देते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को खुद ब खुद हैंड ओवर कर देता है, खुद ब खुद दे देता है, ठीक है। तो यहां जो है वो एक्सटॉर्शन का, जो एक्सटॉर्शन के साथ जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, ठीक है। अब इसमें जो है प्रॉपर्टी के साथ साथ, ठीक है, व्यक्ति की मानसिक, उसकी शारीरिक, उसकी ख्याति, ठीक है, ये सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। कैसे? अगर मान लीजिए कि मैं आपके सामने ये प्रवंचना करता हूं, मैं ये मिस रिप्रेजेंटेशन ये आपके सामने करता हूं कि हाँ ठीक है, आप सब जो हैं वो मेरे बताए गए अकाउंट संख्या फला 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 में इतने इतने रुपए आप डाल लीजिए, तो मैं आपको ऐसे सवाल बता दूंगा जो आपकी पीसीएस जे की परीक्षाओं में 150 के 150 सवाल वही आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपके साथ एक मिस रिप्रेजेंट किया, मैंने आपके साथ इस तरह की बातें आपके साथ किया है, जिसके कारण अब अगर आप मेरे प्रभाव में आ जाते हैं, मेरी बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, ठीक है, और उस प्रभाव में आने पर आप वो पैसे जो मैं कह रहा हूं वो पैसे आप अगर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहां ये संभव नहीं है कि मैं ऐसा कर पाऊं जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये संभव नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रवंचना कर रहा हूं आपके सामने, जबरदस्ती झूठ मूठ की बातों को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, और उस झूठ मूठ बात को अगर आप सच मान लेते हैं और सच मानने पर किसी तरह की संपत्ति को, किसी तरह की प्रॉपर्टी को, किसी तरह का मोनेटरी बेनिफिट, कोई भी चीज अगर आप मुझे दे देते हैं, तो ये माना जाएगा कि मैंने आपके साथ चीटिंग की है, छल किया है, ठीक है। यहां व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है, अगर मैंने जैसे अभी उदाहरण लिया, मैं आपसे कहूंगा कि हाँ 150 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा वही आ जाएंगे, तो यहां जो मैंने स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट से जो आपके मन में जो ख्याल आए, जो विचार उत्पन्न हुआ, उस विचार के प्रभाव में आपने पैसे को अपने आप स्वतः मुझे दे दिया, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, मैंने कोई बल आपके ऊपर नहीं प्रयोग किया, ठीक है। तो ये फोर्स या बल जो है ये ऐसा ही एक्सटॉर्शन में भी वैसा ही होता था, लेकिन एक्सटॉर्शन में क्या है, मैं आपसे ये कहूंगा कि आपका छोटा भाई, आपका छोटी बहन जो है वो मेरे कब्जे में है, मैं उसे मार दूंगा वगैरह वगैरह, इस तरह का भय जनरेट किया जाता है। और यहाँ क्या, भय की बजाय प्रवंचना वर्ड, मिसरिप्रेजेंटेशन, आप प्रोवोकेशन, जिस तरह से भी चीजें होती हैं वो यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान, वही बात मैंने अभी कही कि ये ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि मैं आपसे मॉनेटरी बेनिफिट ही ले लूं, ठीक है, ये भी बात है। अगर आपका किसी तरह की कोई आपकी नेम और फेम जो है उस पर भी कोई नुकसान हो जाता है, आपके मस्तिष्क को कोई कलेश होता है, या आपको कोई वेदना होती है, यानी मेंटल इफेक्ट भी अगर इसमें प्रभावित हो रहा है मेरी इस प्रवंचना के कारण, तो वो भी छल की कंडीशन में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और जैसे इसका जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन आप उठा के देखेंगे तो उसमें कई सारे इलस्ट्रेशन, और इनके सारे जितने भी हैं, ये 400 से लेके 450 तक के जो भी हिस्से हैं, इनके सारे इलस्ट्रेशन आपके बहुत काम के हैं, एक भी इलस्ट्रेशन बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम में इसमें आपसे पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक। प्रॉब्लम में से तो भरमार होती है, जैसे आप मेंस में, आप जब आपके पास प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो उन क्वेश्चन में यहाँ इस पार्ट से भरमार होती है, और आपको विथ इलस्ट्रेशन विथ सेक्शन आपको राइट आंसर आपको लिखना होता है। जैसे इसका एक इलस्ट्रेशन है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को सिविल सर्वेंट
बताता है, और सिविल सर्वेंट बताते हुए एक व्यापारी से कुछ माल प्राप्त करने की प्रवंचना करता है। ठीक है, वो बताता है कि मैं सिविल सर्वेंट हूँ, और उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में अभी ये था कि मैं इस माल का पेमेंट नहीं करूंगा। इस उद्देश्य से उससे प्रवंचना करता है, उससे मिसरिप्रेजेंट करता है, अपने आप को बताता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो पेमेंट ना करने की बात उसके दिमाग में हुई, ठीक है, ये अपने आप में छल के अपराध को क्रिएट करता है। इसी तरह से एक दूसरा इलस्ट्रेशन भी है, वहां आप उठा के देखेंगे बेयर प्रोविजन में, कि एक व्यक्ति जो है वो ये जानता था कि उसके पास जो नग हैं वो हीरे नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वह उन नगों को हीरे के रूप में बताकर उसे बेचने का प्रयास करता है। ठीक है, अगर प्रयास है, बिका नहीं है, तो छल का प्रयत्न है, और अगर बेच दिया है तो ये छल का अपराध होगा। ठीक है, हालांकि वहां गिरवी शब्द इस्तेमाल हुआ है, बेचना नहीं है, गिरवी रख के कुछ धन प्राप्त करना है, जिस धन को वापस नहीं करने की उसकी मंशा है। इसका एक जो सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो अभयानंद मिश्रा का केस है, वो सबसे हाईलाइटेड केस है। ठीक है, अभयानंद मिश्रा का जो केस है उसके साइटेशन है AIR 1961 SC 1698। ठीक है, अभयानंद मिश्रा का जो केस है उस केस के जो फैक्ट थे वो मैं आपको बताता हूँ। इस केस के फैक्ट जो थे वो कुछ ऐसे थे कि एक ए नाम का व्यक्ति, ठीक है, वो आगरा विश्वविद्यालय में MA के लिए अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करता है, और अप्लाई करने के साथ साथ वो ये कहता है कि मैंने 5 वर्ष पहले BA की परीक्षा पास कर ली है, और 5 वर्षों से वो एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहा है। इन दोनों चीजों के लिए उसने जाली सर्टिफिकेट, यानी स्कूल में पढ़ाने का सर्टिफिकेट जाली, और BA की फर्जी मार्कशीट और डिग्री, ये उसने MA के एडमिशन के समय लगाई। अब MA के एडमिशन के उसने आवेदन कर लिया, पत्र जालों की जब जांच हुई, डॉक्यूमेंट्स की जब जांच हुई, तो जांच के समय उन फर्जी पेपरों को, जाली दस्तावेजों को पकड़ लिया गया, और अभयानंद मिश्रा पर छल यानी चीटिंग करने का उस पर चार्ज लगाया गया। ठीक है, दो बातें ध्यान रखिएगा इसमें। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो दिक्कत यह है कि अपराध पूर्ण हो गया या अपराध का प्रयत्न है, ये दो सबसे बड़े हमारे पास समस्या होती है। ठीक है, जैसे अभयानंद में तो उसने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, अब यहां क्या अपराध पूर्ण हो गया या अपराध का अभी अटेम्प्ट है, प्रयत्न है, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर जिस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए हमने काम किया था अगर वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो वो अपराध हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीट होने से पहले ही अगर वो ट्रेस हो गया तो वो केवल प्रयत्न होगा। ठीक है, जैसे अभयानंद मिश्रा के केस में छल करने का, प्रयत्न का दोषी माना गया, छल का दोषी नहीं माना गया। क्यों? अगर वो MA की अपनी डिग्री प्राप्त कर लेता, उसके बाद ये सारी चीजें जानकारी होती, तो फिर वो छल का अपराध होता, लेकिन अभी तो वो प्रोसीड कर रहा है, अभी तो उसने सिर्फ फॉर्म भरा है, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ये छल का प्रयत्न होगा। मैं आपको बरगला रहा हूं, आपको प्रवंचना दे रहा हूं कि हाँ मैं 150 सवाल आपको बता दूंगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, आप उसके प्रयास में आ गए, ठीक है, उस प्रवंचना में आप आ गए, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने अकाउंट में पैसे डालने के लिए, आपने अकाउंट में पैसे डालने के लिए आपने, चलिए डाल भी दिया, ठीक है, जब तक मैं उस अकाउंट में आपके डाले हुए पैसे को निकाल ना लूं तब तक ये प्रयत्न होगा। आप डाल दीजिए अपने साइड से, आपने अकाउंट में पैसे डाल दिए, लेकिन जब तक उन पैसों को मैं विड्रॉ नहीं करता तब तक ये प्रयत्न होगा, और जैसे ही मैंने विड्रॉ कर लिया तब ये अपराध हो जाएगा। ठीक है, या
किसी और भी जगह पर आप कोई डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं या आप कहीं भी कुछ ऐसा वोट डालने जा रहे हैं, ठीक है, आप वोट डालने जा रहे हैं और आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष से कम है, ठीक है, आप बता रहे हैं कि नहीं मेरी आयु 18 वर्ष है, जब तक आप उस लाइन में लगे हुए हैं, वोटिंग की जो कैंडिडेट्स की होती है उनकी लाइन में आप लगे हुए हैं, और जब आपने वोट जब तक नहीं डाला है तब तक आप छल करने के प्रयत्न के दोषी होंगे, लेकिन जैसे ही अपना वोट आपने कॉस्ट कर दिया, वोट कॉस्ट होने के बाद आप छल के अपराध के होंगे, उससे पहले आप प्रयत्न के दोषी होंगे, ठीक है। तो ये अंतर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा प्रेशर होता है और प्रेशर के समय ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये की याद रखिए कि अगर जो ऑब्जेक्ट हमने दिमाग में रखा था वो कंप्लीट हो गया तो चीटिंग का ऑफेंस कंप्लीट हो गया, और अगर कंप्लीट नहीं है अभी ड्यूरिंग द प्रोसेस है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस होने के कारण है, तब वो प्रयत्न की कैटेगरी में आएगा। इज इट ओके? अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, या लास्ट में ऐसा करिए, अभी लास्ट में सवाल जवाब लास्ट में रखेंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मैंने कोई चेक दिया, ठीक है, तो मैंने आपको एक चेक दिया, मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए का चेक काट के आपको दे दिया, मैं जान रहा हूं कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है और ये 1 लाख रुपए का चेक मैं आपको जो दे रहा हूं ये बाउंस हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जब तक वो चेक अकाउंट में लगाया नहीं जाएगा तब तक तो वो छल का प्रयत्न होगा, और जैसे ही वो चेक अकाउंट में लगा दिया गया और वो बाउंस हो गया वैसे ही ये छल का अपराध कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एनआईए एक्ट में भी अलग प्रोविजन है, लेकिन आईपीसी हम उसे इस तरह से हैंडल करेंगे, ठीक। अच्छा, अब छल के लिए जो पनिशमेंट है, ठीक है, वो सेक्शन 417 में दी गई है। सेक्शन और पनिशमेंट इलस्ट्रेशन ये बिल्कुल मत भूलिएगा, एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, लिख लिख के मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको बहुत गुंजाइश बनती है, ठीक है। तो छल के लिए आपका 1 वर्ष का जुर्माना है, ठीक है, और एक वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों, ठीक है। ये हुआ छल। इसी के तुरंत बाद यानी 415 के बाद 416, सेक्शन नंबर 416, सेक्शन 416 जो है वो प्रतिरूपेण द्वारा छल की बात करता है। प्रतिरूपेण द्वारा छल का मतलब यह है कि हम कोई और व्यक्ति की जगह अपने आप को प्रिजम कराएं, हम ये बताएं कि हाँ मैं जो हूं मैं कोई बहुत नामचीन ख्याति प्राप्त व्यक्ति हूं, या मैं एक ही जगह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर ऐसी कंडीशन है तो, और अपने आप को किसी और की जगह रिप्रेजेंट करा रहा हूं, और उस रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर मैं कोई छल कर रहा हूं तो ये प्रतिरूपेण द्वारा छल की डेफिनेशन में ये फॉल करता है, सेक्शन 416 में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूं, ठीक है, और दुकानदार के पास जाके मैंने पुलिस की ड्रेस पहन ली, ठीक है, पुलिस की ड्रेस पहन ली और मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूं और वहां जाके कहता हूं कि मैं इस एरिया का थानेदार हूं, ठीक है, और उससे कुछ अनुचित लाभ प्राप्त कर लेता हूं, तो यहां अगर मैंने वो वर्दी पहन ली, वो ड्रेस पहन लिया और इस तरह का मैंने अपना गेटअप बना लिया, और उस गेटअप में अगर मैं किसी के साथ छल कर रहा हूं तो फिर वो गेटअप होने के कारण हम सेक्शन 415 की जगह 416 को डील करेंगे। अब देखिए, एक इसी पे मुझे याद आ रहा है कि एक एमसीयू का सवाल था, ठीक है, एक सवाल ये था कि एक नेताजी जो हैं वो सभा में ये बात कहते हैं कि मैं भगवान नरसिंह का अवतार हूं, ठीक है, और मैं इस दुनिया में समाज का या लोगों का भला करने के लिए अवतरित हुआ हूं,
महाराज कल्कि का अवतार हूं, इस तरह करके कुछ नाम है, मुझे क्वेश्चन टूटा फूटा सा याद आ रहा है, ठीक है। और वो अपने आप को इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और लोगों से वोट मांगते हैं ताकि उनकी सरकार बने, वो चुनाव में जीत जाए। तो यहां पर अगर अपने आप को वो किसी का अवतार बता रहे हैं, अवतरित बता रहे हैं, भगवान का अवतार अपने आप को बता रहे हैं, और किसी के साथ अगर कोई ऐसा अनुचित लाभ प्राप्त करके कोई संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं या कोई अन्य प्रकार का लाभ प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसा लाभ जो पीड़ित व्यक्ति विक्टिम के मानसिक या ख्याति या संपत्ति से संबंधित होगा, तो यहां फिर नेताजी जो हैं वो छल द्वारा, सॉरी प्रतिरूपेण द्वारा, छल यानी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने चीटिंग की। इज इट ओके? इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है, देखिए इसमें काफी सारे सेक्शन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए थोड़ा से मैं चीजों को छोड़ देता हूं। जी 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 स्वाति, चीटिंग बाई परसोनेशन, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 420, सेक्शन 420, आप अक्सर जब भी कभी बातें सुनते होंगे या पिक्चरों में देखते होंगे, 420, धारा 420, ठीक है। तो 420 जो है, वो सेक्शन 420 जो है वो ये है, वो छल की बात करता है, ठीक है, छल की बात करता है, और उस छल के प्रभाव में उत्प्रेरित करके, ठीक है, प्रवोक करके कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, जहां पे ये अपराध हो जाता है तो वहां धारा 420 लगती है, ठीक। अब इसकी जो नॉर्मल जो आपकी चीटिंग है उससे इसमें जो 420 में अंतर है वो सिर्फ ये है कि कुछ उत्प्रेरणा दी जाती है, कुछ ऐसी बातें की जाती हैं, कुछ ऐसा कंडक्ट किया जाता है, कुछ ऐसा बिहेवियर किया जाता है जिसके कारण विक्टिम जो होता है, पीड़ित व्यक्ति जो है, वो उस उत्प्रेरणा में, उस मेंटल एसेट में आके आपको या जो व्यक्ति छल कर रहा है, चीट कर रहा है, उसको वो प्रॉपर्टी दे दी जाती है, ठीक है। अब पनिशमेंट यहां भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, पनिशमेंट जो है वो यहां 7 ईयर की है प्लस फाइन है, ठीक। अब बात यह आ जाती है कि इससे पहले वाले में तो पनिशमेंट छोटा था, गौर रखिएगा जब आप पढ़ते हैं बहुत डीप में जाके, आईपीसी को आप पढ़ेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे ऑफेंसेस की ग्रेविटी बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे पनिशमेंट का अमाउंट भी धीरे धीरे करके लगातार बढ़ता है। तो यहां 7 वर्ष की जो बात की गई है उसके पीछे जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्प्रेरित करने में, यानी अगले आदमी को प्रभावित करने के लिए, विक्टिम को प्रभावित करने के लिए आप ऐसे एक्ट करते हैं, आप ऐसे कंडक्ट करते हैं जो पूरी तरह से एक एक पेरिफेरी, एक एक एटमोस्फियर बना देता है, ठीक है, और उस एटमोस्फियर में प्रभावित होकर वो व्यक्ति आपको, आपके साथ इस तरह का ट्रांजेक्शन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक साधु हूं, ठीक है, और मैंने बकायदा मंडल कमंडल ले लिया है, मैंने वस्त्र पहन लिए हैं, ठीक है, और अपने आसपास का उस तरह का धूम धक्कड़ वाला माहौल बना लिया है, हवन जला लिया है, ठीक है, तो मैंने अपने विक्टिम को, यानी जो व्यक्ति है जिसको मुझे, जिसके साथ चीट करना है, उसको इस तरह का एटमॉस्फियर बना दिया है, इस तरह का माहौल बना दिया है, और उस माहौल में आकर वो व्यक्ति उत्प्रेरित हो जाता है, उसमें वो प्रभावित हो जाता है, और उस प्रभाव के कारण ये जो चीटिंग हुई है वो इसकी ग्रेविटी को बढ़ा देती है, जिसके कारण इसे 7 ईयर की पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 420 में मेंशन की गई है। अब एक और चीज ध्यान रखिए, एक और चीज ये होती है कि अगर मान लीजिए कि वचन देते समय, जो प्रॉमिस करते समय, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, ठीक है, कि आप इतने अमाउंट जो है वो मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, तो मैं आपको ऐसे सवाल बता दूंगा जिसमें से आपको
150 में से 150 सवाल आपको आ जाएंगे, मैंने ये उदाहरण दिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी कारण से अभी मैं जब आपसे ये बात कह रहा हूं तो मेरे दिमाग में एकदम सही तरीके से ये बात है कि मैं ईमानदारी से आपको 300 सवाल बता दूंगा, 500 सवाल बता दूंगा, जिसमें से 100 सवा 100 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में बिल्कुल आपके साथ छल करने का, आपको धोखा देने का बिल्कुल अगर मेरा परसेप्शन नहीं है, तो वहां पर वचन के समय अगर मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं है, तो उस दशा में जो सेक्शन 420 है वो अप्लाई नहीं होती। मैंने आपको एक चेक काट के दिया, ठीक है, चेक काट के दिया जो 1 लाख रुपए का है, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको उसका भुगतान कर भी दूं, मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ छल करूं, लेकिन किसी कारण से आज मैंने चेक दिया और आज ही मैं अपने अकाउंट से कुछ पैसे विड्रॉ कर लेता हूं, अब उसमें मात्र 10,000 रुपए बचे रह गए। इस दशा में जो आपने चेक लगाया और चेक लगाने पर वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो यहां जो छल का जो अपराध है वो तो है, लेकिन चेक देते समय अगर मेरी मनसा, मेरे दिमाग का स्टेटस ईमानदारी पूर्वक था, तो फिर ये अपराध वहां लागू नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से एनआईए एक्ट में इसको अलग तरीके से डील करने की बात की गई है, ठीक। एक केस है अब्दुल्ला, 1914 का ये केस है, 1914 का, ठीक है। इसका साइटेशन है पीआर नंबर 14, बस इतना सही साइटेशन है, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति जो है वो कुछ जाली आभूषण बनवाता है, जिसके बारे में उसे पता है कि ये आभूषण सोने के नहीं है, वास्तविक आभूषण नहीं है, फर्जी आभूषण बनाता है, और उन आभूषणों को लेकर वो एक सोनार की दुकान पर पहुंचता है, ठीक है, गोल्ड स्मिथ के पास पहुंचता है, और वहां पर उसे कहता है कि ये आभूषण जो हैं वो चोरी के हैं, मुझे चोरी की घटना में से मुझे प्राप्त हुए हैं, और चोरी का होने के कारण मैं इसे बाजार में नहीं बेच सकता, ठीक है, और मुझे ये है कि आप इसे खरीद लोगे, और इसलिए मैं आपके पास इसे बेचने के लिए आया हूं, ठीक। तो यहां क्या है, एक तो आभूषण जो था वो फर्जी था, ठीक है, दूसरा जो उसने बात कही, प्रवंचना की, जो मिस रिप्रेजेंट किया, वो क्या है, उसने झूठ बोला कि हाँ ये जो आभूषण है वो चोरी का है, ठीक है, दोनों चीजें यहां लागू हो गई, ठीक। अब उस दशा में हुआ ये कि सुनार ने जैसे ही सुना कि हाँ ये आभूषण चोरी का है, उसने बातचीत को वहीं रोक दी और बात खत्म कर दी कि हाँ हम इस सब बवालबाजी में नहीं पड़ेंगे। तो यहां ए जो है वो छल करने के प्रयत्न का दोषी होगा, क्योंकि अगर वो आभूषण खरीद लिया जाता गोल्ड स्मिथ द्वारा तो फिर यहां छल का अपराध हो जाता, लेकिन अभी बातचीत चली रही थी, खरीद फरोख्त पूरी नहीं हो पाई, उस दशा में ये जो अपराध हुआ वो छल के प्रयत्न का है। फिर वही बात मैं आपसे रिपीट करूंगा, मैंने आपसे ये कहा कि जो मोटिव हमारे दिमाग में था छल के लिए, अगर हम उस मोटिव तक पहुंच जाते हैं, फाइनल डेस्टिनी तक अगर हम पहुंच जाते हैं, तो फिर वो छल का अपराध हो जाएगा, लेकिन अभी ऑन द वे हैं, किसी भी जगह पे हैं रास्ते में, तो फिर वो प्रयत्न ही होगा, जैसा कि अभयनंद मिश्रा के केस में हुआ। इसके बाद आप सीधे चले आइए सेक्शन 425 मिसचीफ रिस्टी, ठीक है। देखिए अभी तक के जो अपराध हैं, आप याद करिए जब मैंने आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस पढ़ाए थे, ठीक है, जो लोग नए जुड़े हैं या जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा था, खोज लें, खोज के उस वीडियो को देख लें। मैंने प्रॉपर्टी को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कराया था, ठीक है, जहां पर भय होता है, जहां पर बल लगाया जाता है, ठीक है, इस तरह से करके मैंने अलग अलग उसके पार्ट डिवाइड किए थे। वो पार्ट मैंने इसीलिए आपको डिवाइड कराए थे कि अगर आपने वो इंट्रोडक्शन में किसी मेंस के क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, अगर आपने इंट्रोडक्शन में वो पार्ट आपने मेंशन कर दिया, तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो उस वीडियो को खोज लें, देख लें, जहां भी हो एक बार नजर डाल लें, ठीक है,
और उसके साथ ही साथ वो मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 पन्ने का है, वो मैंने बनवाया था आपको, फ्लो चार्ट बनवाया था, ठीक है, तो उसको प्लीज आप लोग सर्च कर लें, खोज लें। तो रिस्टी मिसचीफ, ये एक ऐसा अपराध है जिस अपराध में जो व्यक्ति इस अपराध को करता है उसे कोई गेन नहीं होता है, कोई लाभ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी जो है वो रुइन कर दी जाती है, नष्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को, ठीक है, यह जानते हुए कि वह या तो किसी वह या तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है या किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, वो ये बात जानता है, और जानते हुए अगर उस संपत्ति को सदोष हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अब सदोष हानि और सदोष लाभ वहां उठा के आप सेक्शन 23 में आप उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, 23, हाँ तो शायद 23 है, वहां उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर कोई सदोष हानि पहुंचाता है, ठीक है, या फिर उसके इस कार्य से उस संपत्ति के मूल्य में गिरावट आती है, हाश्र होता है, डिक्रीज होती है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज होती है, या उस प्रॉपर्टी का जो फेज है या उसकी यूटिलिटी है उसमें अगर कोई चेंजेस ले आता है, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, पहले या तो वो प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर वो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक। कल्पित जो है वो उसके स्वरूप में परिवर्तन करता है, उसकी यूटिलिटी में परिवर्तन करता है, ठीक है, उसके उसके यूटिलाइज होने में जो उपयोगिता थी उसमें परिवर्तन लाता है या कमी करता है। तो इन अवस्थाओं में हम ये मानेंगे कि जो कार्य किया गया है वो रिस्टी यानी मिसचीफ का अपराध किया गया है, अब ये भी बात ध्यान रखने की है कि अगर जैसे मिसचीफ में ये जरूरी नहीं है कि हम उस प्रॉपर्टी को एकदम नष्ट कर दें, किसी भी तरीके से अगर जो उसकी उपयोगिता थी, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि एक बांस है, बांस मकान वगैरह में जो लगाया जाता है, ठीक है, अब एक बांस है, ए ने उस बांस को उस लकड़ी को अपने घर की छप्पर के लिए काट के रखा हुआ है, ठीक है, कि अभी वो छप्पर में उसे लगा देगा। बी वहां आता है और उस लकड़ी को थोड़ा सा इतना सा काट देता है, ठीक है, और काट के वो टुकड़ा वहीं छोड़ देता है, ले भी नहीं जाता है, लेकिन क्या किया उसने, अब ये लकड़ी का टुकड़ा छोटा हो गया और छोटा होने के कारण अब वो छप्पर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, छत में लगाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति पे क्या हुआ, उसने उस प्रॉपर्टी का अवमूल्यन कर दिया, या उसकी जो यूटिलिटी होने वाली थी, जो उपयोगिता होने वाली थी, उस उपयोगिता को समाप्त कर दिया है। इस वजह से जो बी ने अपराध किया है वो रिस्टी का अपराध होगा, ठीक है। इसके बाद इसी क्रम में देखिए, अगर मूल्यवान प्रतिभूति है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे इसके इलस्ट्रेशन आप उठा के देखेंगे, कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, किसी मकान की रजिस्ट्री है, ठीक, अब उस रजिस्ट्री के पेपर को हम क्या कर रहे हैं, उसको हम जला दें, या कोई चेक है, चेक को अगर हम भुनाएंगे नहीं, हम उसको जला दें, फाड़ दें, तो क्या है, ये उसकी मूल्यवान प्रतिभूति जो है, जो मूल्यवान वस्तु है, उसकी कीमत में हम परिवर्तन ला दे रहे हैं, उसकी उसकी अवस्था को नष्ट कर दे रहे हैं, ये अपराध जो होगा वो मिसशीप का अपराध होगा। इसी तरह से इसके इलस्ट्रेशन में है कि हाँ, बर्फ घर में पानी डाल देना, आपको पता है कि हाँ बर्फ आइस जो है उसमें पानी पाने से वो मेल्ट हो जाएगी, तो क्या किया हमने, उसके उसकी वास्तविक जो स्वरूप था उस स्वरूप के कारण उसका अवमूल्यन कर दिया, ठीक है। तो ये सारे इलस्ट्रेशन जो है, अंगूठी नदी में फेंक देना, ठीक है, या कोई भी और भी तरीका, इसके कई सारे इलस्ट्रेशन वहां दे रखे हैं, और ये सारे इलस्ट्रेशन जो है वो पीटी में खूब पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो बिल्कुल इनको इग्नोर मत करिएगा, ठीक।
तो ये सारे जो हैं वो अपराध जो हैं वो रिष्टि का अपराध कारित करेंगे। धारा 226 में, 226 में रिष्टि के अपराध के लिए दंड दिया गया है। अब इस दंड को भी क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई करने का मतलब है कि अगर रिष्टि आपने इस अमाउंट तक के मूल्य की वस्तु की है तो आपको अलग पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। अगर आपने इस अमाउंट से ज्यादा की कीमत की वस्तु की रिष्टि की है, मिसचीफ किया है, तो आपको दूसरा पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर मिसचीफ पे कभी आपको शॉर्ट नोट मिल गया या कुछ एडिशनल, यानी जैसे जिसको मैं पूंछ वाले सवाल पूछता हूँ, बोलता हूँ, ठीक है, अगर वो आ गए और उसमें अगर आप इन सारी चीजों को मेंशन कर देंगे कि हाँ 50 रुपए से अधिक के मूल्य की जो वस्तु है उसकी रिष्टि करने पर कितना दंड होगा, या इससे कम के लिए कितना दंड होगा, अगर आप ये लिखेंगे तो एक तो आपकी सिनॉप्सिस के लिए बहुत बेहतर हो जगह होगा, और दूसरा आपका आंसर जो है वो परफेक्ट आंसर कहलाएगा। तो 427 में 50 रुपए तक की रिष्टि के लिए 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड दिया गया। इसके बाद छोटे छोटे सेक्शन हैं बीच में, आप देख लिया। इसके बाद हम सीधे आते हैं सेक्शन 441, धारा 441, ठीक। आप ये बिल्कुल दिमाग में मत लाइएगा कि मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं या चीजों को मैं ऐसा कर रहा हूं कि हाँ जल्दी से फिनिश हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी यूटिलिटी यही है। हम पहले, सबसे पहले लेक्चर में हमने आपसे बात की थी, हमने कहा था कि हमें क्या पढ़ना है ये तो हमें पता होना ही चाहिए, लेकिन हमें क्या नहीं पढ़ना है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्या नहीं पढ़ने वाली कंडीशन में वो सारे जो बीच के सेक्शन हैं वो आप सरसरी निगाह से देख लीजिए, उसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ मेमोराइज करने के, हेडर और सेक्शन, बस वो मेमोराइज करने की बात है। सेक्शन 441, आपराधिक अतिचार, ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपास। देखिए क्रिमिनल ट्रेसपास जो है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की कब्जे की संपत्ति, स्वामित्व से मतलब नहीं है, ठीक है, किसी दूसरे के कब्जे में अगर कोई संपत्ति है, ठीक है, उस संपत्ति में प्रवेश करता है, ठीक है, जहां प्रवेश करने का उसका अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा, दो अलग-अलग इसके पार्ट हैं। पहले पार्ट में तो उसे प्रवेश करने का विधिक अधिकार ही नहीं था, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पे, उस संपत्ति के क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है, और प्रवेश करने के बाद वहां बना रहता है, तो ऐसा कार्य जो होगा वो आपराधिक अतिचार की कैटेगरी में आता है, ठीक। जैसे मैं बताता हूं, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे की संपत्ति में अवैध तरीके से प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद वहां बना रहता है, तो ऐसा प्रवेश और वहां बना रहना दोनों कार्य आपराधिक अतिचार, क्रिमिनल, ठीक है। पहला पार्ट जो है वो ये है, और दूसरा जो है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति जब प्रवेश किया उस समय तो जब वो प्रवेश किया, प्रवेश करते समय तो उसका प्रवेश वैध था, लेकिन प्रवेश करने के बाद उस प्रॉपर्टी पे बना रहना, ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे बना रहना ये अवैध हो जाता है। तो इस दशा में भी जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पे बना हुआ है वो अवैध, सॉरी, क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति मेरा मित्र है, उसको मैं अपने साथ अपने घर ले आता हूं, ठीक, तो वैध तरीके से मेरे साथ मेरे घर आ रहा है, उसको मैंने अपने ड्राइंग रूम में बैठा दिया, वहां भी वो बैठा हुआ है, ठीक। लेकिन अगर मैं किसी काम से बाहर चला जाऊं और
वो व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति जो है, वो मेरे ड्राइंग रूम से उठ के मेरे बेडरूम या मेरे किचन में चला जाता है, तो बेडरूम या किचन तक जाना ये उसका ट्रेस्पास कहलाएगा। ठीक है, यानी जिस स्थान तक उसे आने की अनुमति है, अगर उस स्थान से वो आगे बढ़ता है, अन्य स्थान पे चला जाता है मेरे कब्जे की प्रमाइसिस में, तो ऐसा जाना जो है वो क्रिमिनल ट्रेस्पास की कैटेगरी में चला आएगा। वही दूसरी अवस्था में क्या है कि मैंने किसी व्यक्ति को मना कर रखा है कि मेरे घर में दरवाजा खुला हुआ है और कोई अनजान व्यक्ति मेरे घर में आ जाए, उस दशा में उस अनजान व्यक्ति का मेरे घर में प्रवेश करना, ये दोनों बातें हो गई। पहले उदाहरण जो है वो वैध रूप से प्रवेश करने का अधिकारी था, लेकिन वहां बना रहना जो है वो अवैध हो गया, पहला जो है। और दूसरा, कोई अनजान व्यक्ति मेरे घर में आ जाता है तो ये उसको परमिशन नहीं है मेरे घर में प्रवेश करने के, लेकिन उसके बाद भी अगर वो प्रवेश कर लेता है तो ये क्रिमिनल ट्रेस्पास कहलाएगा। अब इस क्रिमिनल ट्रेस्पास के जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 447 में, 447 में दी गई है, जिसमें 3 वर्ष सॉरी 3 माह का कारावास और 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। ठीक है, इसकी पनिशमेंट देख लीजिएगा। ठीक, फिर इसी के तुरंत बाद आ जाते हैं सेक्शन 442, सेक्शन 442 ग्रह अतिचार। अभी आपराधिक अतिचार था, अब ग्रह अतिचार। ठीक है, देखिए वो आपराधिक अतिचार में ये ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको उदाहरण घर की बात की है, ठीक है, लेकिन वो किसी भी जगह पे हो सकती है, खुला मैदान हो, खेत हो, ठीक, किसी भी जगह पे हो सकती है, मेरी प्रमाइसेस होनी चाहिए, बस साफ सी बात है। अब सेक्शन 442 जो है वो ग्रह अतिचार की बात करता है। ग्रह अतिचार का मतलब यह है कि किसी भवन में, भवन कैसा, जो मनोनिवास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, कोई जलयान, कोई तंबू, ठीक है, और वस्तु संपत्ति रखने के लिए कोई कुछ जगह जहां कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति रख रहा हो, ये सारी जगह जो हैं वो ग्रह के अंतर्गत आएंगी। यार ये जब मैंने आपको पढ़ाया था, थेफ्ट वाला पोर्शन पढ़ाया था, और उसमें ग्रह निवास स्थान इत्यादि से चोरी के बारे में जब मैं आपको बताया था, तो मैंने वहां डिटेल में आपको ये बात बताई थी कि कौन कौन से स्थान ग्रह की कैटेगरी आएंगे, कौन कौन से ग्रह की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वहां मैंने बताया था, याद होगा। मैंने कहा कि हाँ, कपड़े से चारों तरफ से आप घेर दीजिए और कहिए कि हाँ ये ग्रह है, तो उसको नहीं माना जाएगा। बैकयार्ड, कोर्टयार्ड, इन सबको मैंने वहां एलिब्रेट किया था, तो पुराने वीडियोस जो हैं उनको आप एक बार फिर से देख लें, आपके घर में आ जाए तो आपको मेमोराइज हो जाएगा। ठीक, तो अगर कोई तंबू, जलयान, ग्रह जो मानव निवास के लिए या संपत्ति की सुरक्षा के लिए रखा जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति वहां बिना अनुमति के या तो प्रवेश करता है, या फिर अनुमति से तो प्रवेश करता है लेकिन अवैध रूप से वहां बना रहता है, तो ऐसा अपराध जो होगा वो ग्रह अतिचार के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। अब ग्रह अतिचार जो है उसके लिए सेक्शन 448 में इसे पनिश किया गया है, 442 में डिफिनेशन है और 448 में इसे पनिश किया गया है, 1 वर्ष तक का कारावास या 1,000 रुपए का जुर्माना या दोनों के दंड का प्रावधान दिया गया है। आगे चलते हैं सेक्शन 443, प्रछन्न ग्रह अतिचार। और कंफ्यूजन करने वाले सेक्शन है, बहुत ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा। प्रछन्न ग्रह अतिचार, प्रछन्न ग्रह अतिचार का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति घर के तो अंदर आए, घर के अंदर आ गया तो वो ग्रह अतिचार उसने कर दिया, लेकिन ग्रह अतिचार के साथ साथ वो ऐसी जगह जाके छुप गया जहां वो ये सोचे कि हाँ यहां हम छुप जाएंगे तो हमको घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो ऐसे अपराध को, अगर वो छुप जा रहा है तो ऐसे अपराध को प्रछन्न ग्रह अतिचार कहेंगे। और इसमें
जो है सावधानी विशेष तौर से रखी जाती है, क्योंकि छिपने ऐसी जगह तलाशी जाती है जहां साधारण तौर से किसी की निगाह या किसी की नजर ना पड़े। ठीक है, सेक्शन 453 में इसे पनिश किया गया है, 2 वर्ष तक का कारावास साथ में जुर्माना या दोनों, इसमें पनिशमेंट का आपका प्रोसेस है। इसी को और बढ़ाते हैं, देखो एक स्टेप बढ़ता जाता है। ठीक है, आपराधिक अतिचार शुरू किया है, आपराधिक अतिचार, अगली सीढ़ी आपराधिक गृह अतिचार, फिर प्रछन्न गृह अतिचार, फिर रात्र में प्रछन्न गृह अतिचार, इस तरह करके एक एक सीढ़ी बढ़ती जाती है। और यहीं पे आपसे जब एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि हाँ ये फला जो है वो सेक्शन में है, तो दिमाग जो है वो पजल्ड हो जाता है। इस वजह से ये गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। माइनस मार्किंग होगी आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, तो वहां एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके बड़ी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो हमारा एक और नुकसान हो जाएगा। इज इट ओके? प्रछन्न गृह अतिचार सिंपल सी आपको समझ आनी चाहिए, वही प्रछन्न गृह अतिचार है। और प्रछन्न गृह अतिचार में क्या है, वही गृह अतिचार है, और वही गृह अतिचार में क्या है, वही आपराधिक गृह अतिचार है। मतलब एक के अंदर जैसे एक छोटा डिब्बा लें, ठीक है, एक छोटा बॉक्स लें, उसको एक बड़े बॉक्स के अंदर रख दें, फिर उसको एक बड़े बॉक्स के अंदर रख दें, फिर एक बड़े बॉक्स के अंदर रख दें, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो ऐसा ही कुछ है। सबसे बीच में आपका गृह आपराधिक अतिचार, फिर उसके ऊपर गृह अतिचार, फिर प्रछन्न, इस तरह से करके कैपिंग ओवरलैपिंग होती जाती है। ठीक है, अब सेक्शन 444 बहुत आसान है याद करने का तरीका। ठीक है, 444 याद रखिएगा, और एक और चीज याद रखिए, पूरी आईपीसी में उठाइएगा, जैसे सेक्शन 11 में क्या है, सेक्शन 111 में क्या है, 111 में। ठीक है, अब इसी तरह से सेक्शन 22 में क्या है, सेक्शन 222 में क्या है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ऐसे बनाइए, दिमाग अपनी ओरिजिन आप खोजिए, मेरे बताए हुए तरीके पे, मेरी लकीर पे आप फॉलो मत करिए, आप अपने तरीके ईजाद करिए। ठीक है, वो कहीं ज्यादा आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे। सेक्शन 333 में क्या है, सेक्शन 222 में क्या है। ठीक, तो ऐसे ऐसे चीजों को दिमाग में रखिए, और विश्वास मानिए एक बार अगर यहां बैठ गया आजीवन कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो अपनी खोज निकालिए, दूसरे के बताए हुए पैमानों पे मत चलिए, उनके रूल पे मत चलिए, मेरे बताए रूल पे मत चलिए, आप अपने रूल खुद ओरिजिन करें। तो सेक्शन 444 में यही जो प्रछन्न अतिचार है, गृह अतिचार है, ठीक है, अगर ये रात में किया जाता है, यानी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, तो ये रात्रो प्रछन्न गृह अतिचार की कंडीशन में आएगा, जिसके लिए 3 वर्ष तक का कारावास है। और अगर रात्र में प्रछन्न गृह अतिचार किया गया है और साथ में चोरी भी की गई है, तो ये दंड 10 वर्ष तक के लिए बढ़ जाएगा। ठीक, सेक्शन 445 गृह भेदन, इस सेक्शन को ध्यान रखिएगा, गृह भेदन, और इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम भी बनती है और शॉर्ट नोट भी इस पे बनता है। ठीक है, या फिर जो सवाल बड़े सवाल के पीछे जोड़ दिया जाता है उसमें भी ये बनता है। सेक्शन 445 गृह भेदन, गृह भेदन का मतलब ये है कि जो कोई गृह अतिचार करता है, और गृह अतिचार अभी आपने पहले पढ़ लिया, जो कोई गृह अतिचार करता है, और वो गृह अतिचार बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन ये 6 तरीके जो बताए गए हैं इस सेक्शन में, अगर उन 6 तरीकों से किया जाता है, तो ये माना जाता है कि ये गृह अतिचार ना हो के गृह भेदन है, हाउस लर्किंग की कंडीशन में ये चला जाता है। कैसे? पहली चीज, स्वयं का बनाया हुआ कोई रास्ता, जो आपका अतिचारी है या अपराधी, जैसे साधारण शब्दों में कहें, अगर अपराधी स्वयं का कोई रास्ता बना लेता है, दरवाजा है, खिड़की है, ठीक है, ये सब तो बना है, लेकिन दीवाल है, दीवाल में अगर वो सेंध लगा देता है, सुराख कर देता है, अगर वो उससे प्रवेश करता है, तो ये गृह भेदन होगा।
ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि ऐसा कोई दरवाजा या ऐसा कोई निकास जो बनाने वाले भवन को बनाने वाले व्यक्ति का आशय जो था वो ये था कि यहां से प्रवेश करना, निकासी करना ये उद्देश्य नहीं था। जैसे रोशनदान, जैसे खिड़कियां, खिड़की से प्रवेश करना या निकलना या रोशनदान से प्रवेश करना या निकलना भवन बनाने वाले व्यक्ति का आशय नहीं है। तो आशयित जगह के अतिरिक्त अगर कहीं से घर में प्रवेश किया जा रहा है तो वो भी ग्रह भेदन होगा। इसके बाद किसी ताले को खोलकर, ठीक है, कोई ताला है उसको खोलकर अंदर प्रवेश किया जा रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा रास्ता है जिसको भवन स्वामी ने बंद कर दिया है कि हाँ इसे आने जाने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, उस रास्ते से प्रवेश करना, ठीक है, या आपराधिक बल, हमला या धमकी इत्यादि चीजों का प्रयोग करके घर के अंदर प्रवेश किया जाता है, तो ये सारी की सारी छह कंडीशन जो है वो क्या कहलाएगी, वो ग्रह भेदन कहलाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अपने दरवाजे के पास खड़े हैं, दरवाजे के एकदम बाहर खड़े हैं और मैं आया, मैंने आपको धक्का दिया, पुश किया और पुश करके आपके घर के अंदर घुस गया, तो ये पुश करके घर के अंदर घुसना ये ना ग्रह अतिचार होगा, ना आपराधिक अतिचार होगा, ठीक है, ना ग्रह सीधे सीधे ग्रह भेदन की कैटेगरी में ये आ जाएगा। ठीक, इसी पे एक इलस्ट्रेशन है, बड़ा काम का है, देख लीजिएगा, खूब सारे हैं, एक भी इलस्ट्रेशन छोड़िएगा नहीं, मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूं। इसमें है कि एक व्यक्ति के मकान की चाबी जो है वो कहीं खो गई, जिसने पाया वो चाबी उठाया और चाबी उठा के जब कोई नहीं देख रहा था तो चाबी लगा के दरवाजे में ताला खोला और अंदर घुस गया, ना ही उसने बल प्रयोग किया, ना ही उसने किसी तरह का तोड़फोड़ किया, दीवार तोड़ी, ना ही कोई खिड़की से या रोशनदान से उसने प्रवेश किया, आशयित रास्ता भी उसने इस्तेमाल किया, लेकिन जो चाबी थी वो स्वामी द्वारा खो दी गई थी। ठीक है, तो यहां पर चाबी से ताला खोलकर मकान में प्रवेश करना जो है वो भी ग्रह भेदन की कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 446, यही ग्रह भेदन अगर रात में किया जाता है, ठीक है, 445 जो है वो ग्रह भेदन की बात करता है, और यही ग्रह भेदन अगर रात के समय होता है यानी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, ठीक है, रात में होता है, तो सेक्शन 446 में रात्रो ग्रह भेदन, हाउस लर्किंग एट नाइट, ये आपका सेक्शन प्रिवेल करेगा, जिसके लिए 3 वर्ष तक का कारावास और साथ में जुर्माना, ये आपको पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो ये इतना रहा। इसके बाद सेक्शन 463, बीच के कुछ हैं सेक्शन आप देख लीजिएगा, कुछ काम का विशेष नहीं है, जो काम का था वो मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 463 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खूब अच्छे से इसको देख लीजिएगा। कूट रचना, किसी व्यक्ति को या लोक प्रॉपर्टी यानी राज्य को, सोसाइटी को, ठीक है, इनको नुकसान देने के लिए, इनको नुकसान कारित करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी हक, टाइटलशिप या किसी दावे को, इनको पूरा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति कोई दस्तावेज जिसके बारे में वो जानता है कि ये मिथ्या है अगर वो क्रिएट करता है, बनाता है, प्रेषित करता है, तो वो, ठीक है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है, तो वो कूट रचना करता है। कहने का साफ सा मतलब है कि कोई लोक दावे के लिए या कोई निजी दावे के लिए कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, चाहे वो ऑफलाइन यानी ट्रेडिशनल तरीके से हो, अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाता है और उसके बारे में उसे पता है
कि ये डॉक्यूमेंट जो है, जो मैं बना रहा हूं, वो फर्जी है, फेक है, तो ऐसा व्यक्ति कूट रचना करने का अपराध करता है, जो सेक्शन 463 में डिफाइन है। 465 में इसे पनिश किया गया है, 2 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना या दोनों। और इसके तुरंत बाद जो आपका नया अगला सेक्शन है वो सेक्शन 464 है। सेक्शन 464 जो है वो मिथ्या दस्तावेज बनाने की बात करता है। अगर कोई व्यक्ति बेईमानी पूर्ण तरीके से या कपटपूर्ण तरीके से या ऐसा आशय इंटेंशन रखते हुए कोई ऐसा दस्तावेज या तो ऑफलाइन मोड में या तो ऑनलाइन मोड में बनाता है, या उस पे हस्ताक्षर करता है, या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करता है, ठीक है, या उसके किसी भाग को रीजनरेट करता है, रिक्रिएट करता है, उसमें कोई तोड़ मरोड़ करता है, कोई फेर बदल करता है, ठीक है, इसके पीछे आशय जो है वो कपट और बेईमानी ये कंटिन्यू बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा जो कार्य है, ऐसा कार्य मिथ्या दस्तावेज रचना, ठीक है, मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट सेक्शन 464 के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसमें पासवर्ड भी आता है, आपका फोन है, ठीक है, आपका फोन है, आपने पैटर्न पे या कोई कीवर्ड लगा के आपने लॉक कर रखा है, ठीक। अब मैं अगर उसे बेईमानी पूर्ण इरादे से, इंटेंशन हमारा कपटपूर्ण है कि आपके फोन को खोल के मैं आपके गूगल पे से कोई पेमेंट कर दूं या पेटीएम से कोई पेमेंट कर दूं, ठीक है, ऐसा कोई कार्य, वो भी इसके अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। अनऑथराइज एसेस जो होता है वो भी इसके अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये इतनी चीजें आपको पढ़ानी थी, पढ़ाना तो नहीं था, एक साफ बात ये समझ लीजिए, इन सारे सेक्शंस को, ये जितने मैंने अभी आपके साथ थोड़े बहुत डिस्कस किए, इनको आपको खुद जरूर पढ़ना है। मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं, बार बार आपसे कह रहा हूं कि इनको पढ़े बिना आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन हाँ, इनको पढ़ने के लिए आपको खुद अपनी बेयर प्रोविजन या बुक से आपको डिस्कस करना होगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो एकदम आपके दिमाग में रखी होनी चाहिए। ऐसी गलती जैसे सेक्शन हुआ, अब मैं कितना भी आपको सेक्शन समझा दूं कि हाँ इसमें ये, तो सेक्शन समझाने से नहीं हो पाएगा, सेक्शन आपको याद होना चाहिए। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सिंपल सी है, एक बार आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान रखिएगा, इंटेंशन पूरा हो गया तो अपराध हो गया, अभी ऑन द वे हैं तो फिर प्रयत्न होगा, बस यही कंफ्यूजन होता है। इन सारे जितने भी सेक्शन अभी आपके साथ 50 के आसपास, 40 45 जो भी हुए, इनमें सबसे बड़ी बात यही है कि दिक्कत होती है कि कहां पर प्रयत्न है और कहां पे अपराध है। तो अभी आप ऑन द वे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या है, अटेम्प्ट है, और रिजल्टेंट मिल गया, जो हम चाह रहे थे वो मिल गया, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो है वो आई थिंक अब आपको जो है वो नया चैप्टर आपका है स्टार्ट होगा। कोशिश ये करूंगा कि तीन चार लेक्चर में आपकी आईपीसी का जो है वो वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी संख्या जो है वो 20-25 की है, और 20-25 में मुझे नहीं आता, आपको भी लग रहा होगा कि हाँ बीच में काफी सारा गैप हो गया, तो थोड़ी सी कुछ होते हैं, कुछ व्यस्तता होती है जिसके कारण कंटिन्यू नहीं बन पाता। अगर अब आपके कोई सवाल हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जो भी क्वेरी हो आप पूछें। और अब एक और बात आपसे कहना है कि का चुपी साध रहे हो बलवाना, ये पंक्ति सुनी होंगी आप में से बहुतों की, तो शांत रहने का समय नहीं है, बस लग जाइए, ठीक है। अब आपकी स्पीड जो है ना वो कम से कम 60-70, 100 में बात कर रहा हूं, 100 में कम से कम 60-70 की आपकी स्पीड होनी चाहिए इस समय,
ठीक है। बाकी 80, 90, 95 और 100 की स्पीड तो जब आप पेंसी आपने हाथ में पकड़ लेंगे, नोटिफिकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, तो फिर होगी। हाँ संजय, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, संजय ने एक सवाल पूछा है, मैं आप सबके साथ इस सवाल को रिपीट कर रहा हूं। एक व्यक्ति जो अपने घर से बाजार के लिए निकलता है, लेकिन बी का कुत्ता, ठीक है, बी का कुत्ता रास्ते में ऐसा बंधा हुआ है कि कोई उस रास्ते से ना जा सके, बाजार जाने का वही रास्ता है, तो यहां रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। संजय बहुत साफ बात मैंने आपको बताई थी, आप सबको बताई थी, ध्यान रखिए, कन्फाइनमेंट जो होता है वो चारों तरफ से पैक हो जाता है, ठीक है, रिस्ट्रेंट जो है वो किसी एक विशेष दिशा में जाने से रोकता है। आपको कमरे के अंदर बंद कर दिया, दिस इज कन्फाइनमेंट, लेकिन आपको तब वाली सड़क पे जाने से रोक दिया तो ये फिर रिस्ट्रेंट हो गया, आप अभी नहीं जा सकते ना बाजार। एनडीए मैं समझ नहीं पाया, प्लीज इसे थोड़ा सा बताएं, मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनडीए। ओके संजय, होप आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर वो अपने घर तो वापस जा सकता है ना, पर्टिकुलर एक दिशा में ही जाना हो, ठीक है, बाजार वो अभी नहीं जा सकता, वो 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, सुबह, कल तो जा सकता है ना। अगर वो किसी कमरे में बंद कर दिया गया होता, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, ये कन्फाइनमेंट हो जाएगा, ठीक, और केवल एक दिशा में जाने से रोका जा रहा है, बाकी वापस तो जा सकता है ना। यस यस स्वाति, योर आंसर इज राइट। और एक और बात ध्यान रखिएगा स्वाति, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि फोर वॉल जो है वो हो सकता है कि दीवार जो है वो जरूरी नहीं है कि किसी चीज की बनी हुई हो, अगर चार व्यक्ति भी आपको पकड़ के बैठ गए हैं, ठीक है, चार व्यक्ति भी या दो व्यक्ति भी आपको पकड़ के बैठ गया हो, वो कहीं जाने ना दे रहा हो, ना राइट ना लेफ्ट ना आगे ना पीछे, वो आपको बांध के पकड़ के बैठ गया, कुर्सी पे बांध दिया गया है, दिस इज ऑल्सो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। आपको छत के ऊपर भी अगर आपको रस्सियों से कुर्सी से बांध दिया गया है या एक पेड़ से आपको बांध दिया गया है, आप कहीं जा ही नहीं सकते हो, दिस इज ऑल्सो ओके। ये एक इन्होंने एक सवाल पूछा था देवयांशी, एनडीए, मैं एनडीए समझ नहीं पा रहा हूं बेटा, प्लीज मुझे बताएं। सौरभ, डिफरेंस बिटवीन काउंटरफिटिंग एंड मिस रिप, देखो मिस रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन में खास बात यह होती है कि हम ऐसा माहौल या ऐसे स्टेटमेंट पास करते हैं, ठीक है, और काउंटरफिटिंग जो होती है, कूट रचना जो है, उसमें हम कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जो कह सकते हैं कि आप जैसे आपने रिटन वर्क में कुछ कर दिया, ठीक है, या आपने सिक्के जो हैं वो सिक्के जो हैं उसको चांदी का सिक्का है उस पे आपने गोल्ड प्लेटेड करा दिया, उसे सोने का बना दिया, ठीक है, तो आपने क्या किया, कुछ ऐसा एक्ट जो है वो किया है जिसकी परिस्थिति में परिवर्तन हो गया है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में आप ओरली चीजों को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, आपका आपने कुछ ऐसा ठोस वर्क जो है वो नहीं है, आप चीजों को ओरली एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हाँ मैं आईएएस ऑफिसर हूं और तुम इनकम टैक्स ऑफिसर हूं और तुम्हारे घर में रेत डालने जा रहा हूं, ठीक है, तो क्या आपने अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया,
गलत तरीके से आपने अपनी प्रस्तुतिकरण किया, पर्सोनेट किया अपने आप को, ठीक है। अभयानंद मिश्रा अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट, नहीं अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट नहीं है। अभयानंद मिश्रा का जो केस है वो मैंने अभी आपको बताया, और नहीं बिल्कुल संजय, आपके पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो देवयांशी के साथ शेयर कर दीजिए। अभी मैं बिल्कुल इस स्थिति पे नहीं हूँ कि ये जो केस है मैं इसके बारे में बहुत कुछ बता सकूँ, ठीक है। बबीता नायर का केस जो है, इसके बारे में इस स्थिति पे नहीं हूँ कि बहुत कुछ डिटेल में फैक्ट आपको बता सकूँ। मैं खुद अभी अपडेट नहीं हो पाया हूँ, तो एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। हाँ तो आपको देवयांशी, आप संजय जी जो हैं, संजय त्रिपाठी जी, आप इनसे अपडेट कर लीजिएगा। इनके पास आई थिंक कुछ है मटेरियल, ये बता रहे हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में खुद अभी अपडेट नहीं हूँ, थोड़ी सी व्यस्तता रह रही है, मैं आज भी थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं इसके बारे में अपडेट नहीं हूँ। ओके एनीथिंग, अभयानंद मिश्रा का जो है वो चीटिंग के लिए, छल के लिए प्रयत्न का केस है। स्वाति आप थोड़ा सा अपडेट हो लें, ऐसे पलट के देख लें जरूर से, ठीक है। छल का प्रयत्न है, फर्जी मार्कशीट और फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के एमए के लिए एडमिशन की बात हुई थी, ठीक है। सो दिस इज तो बिल्कुल मैंने फिर से कहा कि मैं अभी इस केस के लिए बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं है, मैं अपडेट नहीं हूँ, ठीक है। आई एम ऑल्सो अ लर्नर, मैं भी सीखता रहता हूँ, कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी व्यस्तता रहती है, इस वजह से लर्निंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो हो गया है। चलिए होप आपके क्वेश्चन कंप्लीट हैं, और आप सभी कल 8 बजे जरूर कनेक्ट हों, ठीक है। कल भी मैं आपके साथ अपनी क्लास जो है वो लाइव कनेक्ट रखूंगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, कल मिलते हैं आप 8 बजे। ओके, टेक केयर।